बनाया, मैं उन्हें नमन करता हूँ। मैं ज्योतिषमा फूले को नमन करता हूँ जिन्होंने 1948 में पेशवा के राज में एससी एसटी ओबीसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्होंने उन्हें पढ़ने का अधिकार दिलाया, मैं उन्हें नमन करता हूँ। मैं साहू महाराज को नमन करता हूँ जिन्होंने 1902 में एससी एसटी ओबीसी को 50% रिजर्वेशन की शुरुआत करी थी। और इस देश में साधु संत महात्मा जो भी पैदा हुए और सामाजिक काम किया, जिसकी वजह से बाबा साहब अपना संविधान बना सके और आज समाज इस लायक बन गया कि इन्होंने एक स्टेप लिया। और इस स्टेप पे आप देखिए क्या लिखा है, आक्रोश प्रदर्शन। इसकी क्यों नौबत आ गई? आक्रोश करने का मतलब क्या है? ये डेमोक्रेसी है, लेकिन जब डेमोक्रेसी पे अटैक होता है, डेमोक्रेसी को नहीं चलने दिया जाता है या डिक्टेटरशिप हो जाती है, तो युवाओं को फुटपाथ पे आके ऐसे शब्द लिखने पड़ते हैं कि भाई ये डेमोक्रेसी है, हम डिक्टेटरशिप नहीं चलने देंगे। आपको एक घटना याद दिलाना चाहता हूं, जब ब्रिटिश लोगों ने इस सत्ता को भारतवर्ष को सौंपा था, तो विंसेंट चर्चिल ने कहा कि जिनको हम सत्ता सौंप रहे हैं ये देखो कितने मोह से, चेहरे से चिकने चिकने नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे दिल के काले। हमें पता है कि ये लोग उन गरीबों को, उन स्वस्थों को, उन दलितों को कोई अधिकार नहीं देंगे। आज 70 साल हो गई, अब आप प्रैक्टिकली देख लीजिए कि इन्होंने दलितों को क्या दिया। आप कल भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं। आप 10% जो पढ़ लिख कर यहां पर आ गए हैं, जो चेतना जागृत हुई है, इनको छोड़ के गांव में जाइए, आज भी मध्य प्रदेश में एक औरत किसी ठाकुर के घर से नहीं निकल सकती, उस चप्पल को सिर पर रख के जाना पड़ता है। तो कैसी स्वतंत्रता? स्वतंत्रता, इसका नाम स्वतंत्रता कहेंगे? ये तो आज भी परतंत्र हैं, गुलाम हैं। बाबा साहब ने एक बात कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो गुलाम अपनी बेड़ियां तोड़ देगा। तो हम तो, मुझे 14 साल हो गया इन गुलामों को ये एहसास कराते कराते कि भाई तुम आज भी गुलाम हो। प्रैक्टिकली देख लो, कहीं भी देख लो, तुम्हारी क्या इज्जत है? कोई व्यक्ति मरी हुई गाय को ले जा रहा है, उन बच्चों को मार दिया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको सताया जाता है। किसी यूनिवर्सिटी में एक लड़का प्रोफेसर पढ़ रहा है, उसको मार दिया जाता है। पूरे देश के अंदर एससी एसटी इन मुस्लिम कम्युनिटी का कत्ले आम हो रहा है। ऐसा कोई भी दिन नहीं जा रहा कि जिस दिन 5 दलितों को न मार दिया जाता, 5 लड़कियों का रेप न हो जाता हो, लेकिन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। अगर आज उनकी लड़की के साथ कुछ हो जाता है तो पूरा दिल्ली बंद हो जाता है, अगर दलित की लड़की के साथ हो जाता है तो एक FIR तक नहीं लिखी जाती। यही गुलामी का कारण है। मैं ये घटना बाबा साहब की 1932 में हुई थी, महात्मा गांधी बैठे थे, भारतवर्ष को स्वतंत्र करना था, तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को पूछा कि
आपके महात्मा गांधी, आपके देश में इतनी सारी भाषाएं, इतने देश प्रदेश हैं, इतनी जातियां हैं, तो आप अपने देश को कैसे चलाओगे जबकि तुम्हारे देश में कोई संविधान भी नहीं है। तो महात्मा गांधी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वहीं पास में डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, डॉक्टर अम्बेडकर जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये तो हमारे देश का प्रेस्टीज का सवाल है। वो उठे और उन्होंने कहा कि एक माँ एक साल के बच्चे को लेके घूम रही है और ये कह रही है कि ये बच्चा चल नहीं सकता, अगर इस बच्चे को मैं नीचे छोड़ती हूँ तो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। तो उन्होंने कहा जब तक बच्चा नीचे नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक उसको चोट नहीं लगेगी, तब तक बच्चा कैसे चलेगा। अरे अंग्रेजों, हमारा देश को छोड़ के देखो देश कैसे चलता है, वो हम दिखाएंगे आपको। तो एक सवाल डॉक्टर बाबा साहब को भी पूछ लिया, अरे डॉक्टर अम्बेडकर, आप तो उस देश के अंदर अछूत हैं, आपका समाज पूरा अछूत है, उसकी कोई रक्षा नहीं करता, कोई भी गाजर मूली की तरह काट देता है, लेकिन हमने फिर भी वहां जाके रक्षा की। अगर आपका देश गुलाम हो गया तो आपका समाज फिर भी गुलाम ही रहेगा, आपको वो अधिकार नहीं मिलने वाले जो सवर्णों को अधिकार मिलेंगे। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर दो गुलामी हम झेल रहे हैं इस बात को हम मानते हैं, लेकिन हमने एक गुलामी दूर कर ली तो यह भी निश्चित है कि हम दूसरी गुलामी भी दूर कर लेंगे। तो भाइयों, ये सब आप लोगों को ये एडवाइस, ये पानी और ये सलाह दिया जाता है कि हमने एक गुलामी दूर कर ली और दूसरी गुलामी दूर करने के लिए आपको फुटपाथ पे आना पड़ेगा। इसलिए आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। कहते हैं कि उनकी तुरबत पर नहीं जलता एक भी दिया, किन्होंने, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनकी तुरबत पर नहीं जलता एक भी दिया, जिनके खून से जले थे चिरागे वतन, आज महकते हैं मकबरे उनके, जिन्होंने भेज खाए शहीदों के कफन। जब ऐसी बात आती है तो क्रोध भी आता है, गुस्सा भी आता है कि हमारे भाइयों ने इस देश की कुर्बानी पर अपना खून भाया, जान दी, क्योंकि जो राज कर रहे हैं उन्होंने, आप पूछिए उनकी हिस्ट्री देखिए, उनके लोग लड़ने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि वो गुलाम नहीं थे, वो प्रशासन के साथ राज करते थे। अगर गुलाम थे तो ये एससी एसटी ओबीसी ही गुलाम थे, और इसलिए इस गुलामी को दूर करने के लिए वो सबसे पहले आए। लेकिन वक्त ऐसा आया, सारी स्वतंत्रता का लाभ उन्होंने ले लिया और इन लोगों को फिर भी पीछे धकेल दिया। आज भी उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आप उनकी कोठी बंगला कार देखिए, स्कूल देखिए, यूनिवर्सिटी देखिए, शायद ऐसा देश के अंदर कोई नहीं है जो 85% एसेट जो देश का है वो सब उनके पास है, और 15% है, बाकी ये सब लोग बेचारे उसमें बांट रहे हैं। तो ये जो मनवाद है इस देश के अंदर, ये बहुत खतरनाक है। इस मनवाद से बाबा साहब भी परेशान थे, उन्होंने कहा इस मनवाद को देखकर मैंने इस मनवाद की किताब को 25 दिसंबर 1927 को जलाया था और कहा था कि अब इसकी गंध भी नहीं रहेगी, और मैं अगर जिंदा रहा तो ऐसा संविधान बनाऊंगा कि सारे लोगों के लिए बराबर के अधिकार होंगे। यह अवसर उनको मिला, संविधान बना। संविधान बनने के बाद कुछ लोगों को तसल्ली हुई कि हमारा भी कुछ इस देश के अंदर अधिकार हो गए। ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, बहुत अच्छा कहने में लगता है, लेकिन हकीकत में कहां है? आज भी बता दीजिए किसी भी स्टेट में
ये इक्वलिटी हो, इस देश के अंदर इक्वलिटी नहीं आई, समता नहीं आई, भाईचारा नहीं आया। और जब तक किसी भी देश में भाईचारा नहीं होगा, इक्वलिटी नहीं होगी, तब तक वो देश पनप नहीं सकता। ये कितना भी कोशिश कर ले के हम बहुत शक्तिशाली हो गए, विदेशों को चंद आदमियों के वहां पर पैसा दिखा के कहते हैं कि देखिए हम कितने धनवान हो गए हैं कि आपके यहाँ भी हम कोठियां खरीदते हैं, हम बिजनेस करते हैं। लेकिन जब वो लोग देखते हैं इंडिया को कि भाई तुम्हारी इंडिया में तो हम पैसा देते हैं ताकि वो गरीबों की हालत खराब हो जाए, जो भूख से मर रहे हैं वो उनकी जान बच जाए, और तुम यहाँ पर कहते हो कि हमारा इंडिया बहुत सबल हो चुका है। ये आडंबर है, ये बहुत बड़ा छल कपट है, और इस देश के अंदर छल कपट चल रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपके साथ छल कपट चल रहा है। अब ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसको हल नहीं कर सके, अगर हम चाहें तो इस समस्या का भी समाधान हमारे पास है। विजय पाने के लिए मैं एक फॉर्मूला देता हूं, लास्ट पारी शिक्षा के ऊपर, जिसके लिए बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिससे पी के मनुष्य कहीं भी झाड़ सकता है। साउथ अफ्रीका मंडेला जो नेशनल राष्ट्रपति हैं वहाँ के, उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज पावरफुल वीपन व्हिच कैन चेंज द वर्ल्ड। आपके ज्योतिबा फूले ने कहा विद्या बिन मत गई, मत बिन नीति गई, नीति बिन गत गए, गत गई और गत बिन वित्त गया, वित्त गए बगैर ये जो समाज था ये गुलाम हो गया। तो उसी शिक्षा के ऊपर मैंने बनाया है, मान सम्मान से जीना सीखो, मान सम्मान से जीना सीखो, शिक्षा अपनाओ, जाति पात के बंधन तोड़ो, बौद्ध धर्म अपनाओ। जय भीम, जय भारत।